हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बताऊँ। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चले आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में आज मैं आपको राजस्थान से जुड़ी कुछ अपडेट के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखिए, ये जो लोकसभा सांसद हैं यहाँ के सीकर के, इनका नाम है सुवेदानंद सरस्वती, और इन्होंने देखिए रेलवे से कुछ डिमांड की है सीकर के बारे में। साथ ही मैं आपको अन्य कुछ और भी अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सदस्य हैं रेल संबंधी स्थायी समिति के, आचार संबंधी स्थायी समिति के, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के। मैं आपको बता दूँ, जो रेलवे की मीटिंग होने वाली है 25 फरवरी 2022 को, और जिसमें कि लोकसभा जो सदस्य हैं उन सभी से उनके राय से जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण मांगे हुई उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या डिमांड की है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जयपुर से दिल्ली सारा रोयला, दिल्ली सारा रोयला जयपुर के मध्य में चलने वाली ये गाड़ी का नाम है सैनिक एक्सप्रेस 140-21, साथ ही 140-22 नंबर। इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का इन्होंने वाया सीकर रेल मार्ग पर चलाने का प्रस्ताव भेजा है। नेक्स्ट है आपकी जो इनकी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मीटर गेज के समय अरावली एक्सप्रेस दिल्ली अहमदाबाद वाया रिंगस चला करती थी, इसे पुनः वाया रिंगस और सीकर के रास्ते चलाया जाए। ये भी आपको नई ट्रेन के बारे में बताऊं। साथ ही इन्होंने सीकर जयपुर के मध्य में सुबह और शाम के समय एक नई ट्रेन लोकल, चाहे वो डेमू या फिर मेमू, नई ट्रेन चलाने की मांग की है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर के चौमू, गोविंदगढ़, पलसाना एवं लक्ष्मणगढ़ स्टेशनों पर मीटर गेज के समय अनेक जो ट्रेनें चलती हैं उनका स्टॉपेज था, लेकिन अब इन स्टेशनों पर अनेक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। अतः इन स्टेशनों पर लंबी और छोटी दूरी की गाड़ियों का स्टॉपेज करवाने का कष्ट करें। इन स्टेशनों पर बुकिंग सिस्टम भी चालू कराया जाए। साथ ही इन्होंने कहा है कि 140-55, 140-56 ब्रह्मपुत्र मेल को दिल्ली से जयपुर तक वाया सीकर चलाया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ब्रह्मपुत्र मेल को जो रेलवे ने चलाने का जो आश्वासन दे दिया है, जल्द ही ये ट्रेन आपकी जयपुर तक चला करेगी। और देखिए, लोकसभा सांसद जो इन्होंने डिमांड की कि इस ट्रेन को सीकर के रास्ते चलाया जाए, बाकी सांसद भी अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं कि इस ट्रेन को वाया अलवर के रास्ते चलाया जाए। अब रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा इस ट्रेन को किस रूट से चलाया जाए ब्रह्मपुत्र मेल को। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, जयपुर से रेवाड़ी तक वाया श्री माधोपुर नीमका थाना सुबह और शाम नियमित ट्रेन चलाई जाए जयपुर से रेवाड़ी के लिए। और साथ ही इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, अजमेर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार, अजमेर हरिद्वार के मध्य में वाया सीकर रिंगस नई ट्रेन चलाए जाने की डिमांड की है। साथ ही मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर में खाटू श्याम जी और सालासर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित है, और जहां लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं, इन स्थान पर सर्वे कराकर वहाँ तक नई रेल लाइन डलवाने का कष्ट करें। और आगे इन्होंने बताया कि रिंगस स्टेशन गाड़ियों के आवागमन एवं प्रस्थान, तो ट्रेनों की सिंगलिंग व्यवस्था को पुनः जांच कराए। साथ ही जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 120-65, 120-66 का स्टॉपेज श्री माधोपुर स्टेशन पर किया जाए, तथा एवं जो पलसाना और साथ ही श्री माधोपुर स्टेशन पर रिजर्वेशन खिड़की खुलवाई जाए। साथ ही पार्सल बुकिंग की व्यवस्था भी शुरू की जाए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा इन्होंने इंदौर बीकानेर वाया सीकर एवं सीकर श्री गंगानगर ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों का जो ठहराव है वो पलसाना एवं लक्ष्मणगढ़ स्टेशन पर किए जाने की मांग की है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मांग की है फुट ओवर ब्रिज अंडर, और साथ ही रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज के कई जगह इन्होंने डिमांड की है कि इनका निर्माण किया जाए। तो ये डिमांड थी आपकी सीकर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी। आइए अब मैं आपको आगे कुछ और अपडेट देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको और अपडेट देता हूँ कि रेलवे ने उदयपुर से वाया अजमेर होते हुए दिल्ली तक तो हमसफ़र ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जल्द ही आप देखेंगे इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन कोविड के कारण बंद कर दी थी, आने वाले समय में देखेंगे इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करेगा। ये ट्रेन आपके उदयपुर से वाया अजमेर होते हुए ये ट्रेन दिल्ली तक चला गई हम सफ़र ट्रेन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, रेलवे ने कुछ और ट्रेनों के चलाने की भी जो कोशिशें जारी की हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो जो ट्रेन है आपकी उदयपुर से मैसूर है, उदयपुर पाटलिपुत्र एवं साथ ही उदयपुर दिल्ली सराय रोहिला, इन ट्रेनों का संचालन रेलवे जल्द ही शुरू करने जा रहा है। साथ ही मैं कुछ और भी आपको अपडेट देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 25 फरवरी को सांसद और महाप्रबंधक की बैठक होने वाली है, और जो कि यहाँ से काफ़ी जो सांसद रहेंगे, जो भी सांसद हैं, उनसे उनसे उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं का
उनसे ब्यौरा लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या रहेगा अपडेट, मैं आपको बता देता हूँ आगे कुछ और अपडेट के बारे में। देखिए इसमें बताया कि अलवर में आ सकते हैं तो रेल सेवा, अलवर के यहाँ पे जो सांसद हैं इन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी, मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इसमें है कि अलवर मथा रेलखंड को ब्रॉडगेज बने तो काफ़ी समय हो गया, परंतु 2022 में मात्र 4 ट्रेनें इस रूट पर चली हैं, 3 NCR जोन की हैं और एक उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। और आइए मैं आपको बताता हूँ क्या डिमांड की है। देखो उन्होंने कहा कि बीकानेर हावड़ा, हावड़ा बीकानेर का और जो ट्रेन चलती है इस ट्रेन का जो डाइवर्ट करके इस ट्रेन को बांध दी, कोई अलवर मथुरा आगरा के रास्ते चलाया जाए। और दूसरी जो डिमांड की थी इन्होंने, डिमांड की श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से नांदेड़ के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए हफ्ते में 3 दिन वाया अलवर मथुरा आगरा के रास्ते, इस ट्रेन का संचालन शुरू करने की डिमांड की गई है। तीसरी डिमांड इनकी ये है कि ये अलवर दिल्ली साथ ही अलवर जयपुर के मध्य में लोकल ट्रेन की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि गाड़ी संख्या 042 रांची रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन में 11 घंटे तक लगभग खड़ी रहती है, अतः इस ट्रेन का विस्तार कर इसको अलवर तक चलाया जाए जिससे कि यहाँ के यात्रियों सीधे सुविधा प्राप्त हो सके। और चौथी अपडेट ये है कि 1240 थी 1240 पर एक्सप्रेस का विस्तार कर 3 दिन इसको श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का संचालन किया जाए। और मैं आपको बता दूँ कि जो ये ट्रेन प्रयागराज से जयपुर, जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, और ये जो इस ट्रेन का जो रूट है मथुरा अलवर के रास्ते ये ट्रेन जयपुर तक चलती है, तो इस ट्रेन का जो विस्तार करके इसको बीकानेर तक मंजूर किया गया है, और जिसको सप्ताह में 4 दिन साधुपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के लिए चला जाए, और इसको यहाँ पर साथ ही गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव किए जाने की डिमांड की गई है। और अगली डिमांड है श्रीगंगानगर से झांसी, झांसी पता है आप, झांसी रेलवे स्टेशन से श्रीगंगानगर यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के मध्य में एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू की जाए वाया आगरा मथुरा अलवर जयपुर सीकर झुंझुनू के रास्ते। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस ट्रेन के प्रस्ताव की सराहना की गई है, परंतु श्रीगंगानगर भविष्य में अनुरक्षण क्षमता बढ़ने पर संचालन की बात कही है, अतः उत्तर मध्य रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे यानी NCR या फिर NWR द्वारा इसका संचालन सीधे प्रारंभ किया जाए ताकि गोवर्धन, गोगोमेड़ी, खाटू श्याम जी और मेहंदीपुर बालाजी जैसे तीर्थ स्थल सीधे जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट है कि अलवर जंक्शन पर यात्री गाड़ियों जो ठहरा हुआ है वो 3 मिनट कर दिया जाए जिससे कि एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों में न्यूनतम 5 मिनट हो चाहिए, वहीं सवारी गाड़ियों को 10 मिनट, क्योंकि सवारी गाड़ियों में हर छोटे बड़े स्टेशनों के यात्री अलवर से चढ़ते उतरते रहते हैं, और इसलिए यात्रियों को हड़बड़ी ना हो इसके कारण यहाँ पर 3 मिनट का ठहराव की डिमांड की गई है। आगे देख लेते हैं, इसमें आगे भरतपुर अलवर के मध्य में सीधी रेल सेवा, भरतपुर अलवर के मध्य में अनेक बस संचालित हो रही हैं और रेलवे ट्रैक भी, परंतु सीधी रेल सेवा नहीं, अतः मथुरा के रास्ते सीधी दैनिक रेल सेवा की डिमांड की गई है यहाँ पर। साथ ही कुरुक्षेत्र मथुरा एक नई ट्रेन चलाने की डिमांड की है, कुरुक्षेत्र मथुरा वाया झज्जर रेवाड़ी अलवर दैनिक रेल सेवा, इस ट्रेन की घोषणा 2021 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, अतः धार्मिक पर्यटन के हिसाब से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जुड़े स्थल और कुरुक्षेत्र गोवर्धन सीधे जुड़ जाएंगे, साथ ही अलवर मथुरा और रेवाड़ी झज्जर रेलखंडों पर ट्रेन संपर्क में आंशिक सुधार भी होगा। तो यह डिमांड थी आपकी अलवर से जुड़ी। आइए मैं आपको आगे कुछ और बता देता हूँ, और आइए मैं आपको बता देता हूँ झुंझुनू से जुड़ी, और यहाँ के जो सांसद हैं लोकसभा के जिनका नाम नरेंद्र कुमार, इन्होंने कुछ डिमांड की थी, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने जो डिमांड की थी 170/19/170/20 170/19/170/20 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का विस्तार वाया सीकर झुंझुनू लोहारू हनुमानगढ़ बठिंडा फिरोजपुर तक कराने की बात की गई। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन को फिरोजपुर रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने की डिमांड की गई वाया सीकर झुंझुनू लोहारू हनुमानगढ़ बठिंडा के रास्ते। साथ ही उन्होंने जिला झुंझुनू के नुआ रेलवे स्टेशन पर RUV रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण करवाने की बात की गई है। नेक्स्ट सैनिक एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की डिमांड की गई, इसकी डिमांड काफ़ी हो रही है, हो सकता है रेलवे इस बार से इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने के आदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आपकी जयपुर प्रयागराज, जैसे मैंने आपको बताया इस ट्रेन का विस्तार कर दिया गया और इसको 4 दिन आपको झुंझुनू लोहारू के शुरू के रास्ते करवाने की डिमांड की गई चलाने की, जैसे जो भी लोकसभा सदस्य हैं वो अपने अपने हिसाब से इस ट्रेन का प्रस्ताव भेज रहे हैं और बाकी का रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस रूट पर किस ट्रेन को चलाना है। कमरख्या से आनंद विहार जो ट्रेन संख्या 125/05, 126/126, 125/06 जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को लोहारू झुंझुनू सीकर रेंगस फुलेरा होते अजमेर तक संचालन के क्रम में चला जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन है आनंद विहार से कामाख्या चलते इस ट्रेन को अजमेर से चलाने की डिमांड कर रहे हैं, और जो रूट रहेगा लोहारू झुंझुनू सीकर रेंगस फुलेरा के रास्ते। अब मैं आपको अगली अपडेट देता हूँ, इसमें जिला सीकर के रामगढ़ सिखाड़ी स्टेशन पर अमरपुर आवली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19707
साथ ही महामाना एक्सप्रेस ट्रेन 1933 1933 ठहरा हुआ आरक्षण खिड़की खुलवाने की बात की गई। इस गाड़ी का स्टॉपेज करने की बात की गई है अरावली एक्सप्रेस और साथ ही महामाना एक्सप्रेस शेखावटी स्टेशन पर। और साथ ही इन्होंने कहा कि 02323 02324 बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का लोहारू स्टेशन पर ठहरा करवाने की डिमांड की गई है। और साथ ही इन्हें बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर और जिला झुंझुनू पर आरक्षण खिड़की खुलवाने की बात की गई है। इसी प्रकार से 147-15 147-16 श्रीगंगानगर सीकर एक्सप्रेस 193-33 193-34 महामाना एक्सप्रेस का बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की डिमांड की गई है। और वहीं सूरजगढ़ चिड़ावा नवरगढ़ मुकंदगढ़ रेलवे स्टेशन की ऊंचाई बढ़ाने की बात की, जो इनके प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इनको थोड़ा ऊंचाई बढ़ाने की डिमांड की गई है। और ये सब इनकी डिमांड थी जो इन्होंने यहाँ पे भेजी है। इसके अलावा इन्होंने जबलपुर हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का वैसा हनुमानगढ़ तक करवाने और साथ ही इन्होंने जिसे लोहारू महेंद्रगढ़ झुंझुनू के आस साथ साथ रेवाड़ी गुरुग्राम में मथुरा आगरा ग्वालियर मुरैना जबलपुर से पहली बार जुड़ सकेंगे, जो कि आपका दक्षिण हरियाणा के बहुप्रतीक्षित काफ़ी डिमांड है। इस ट्रेन को जो श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है इसका विस्तार किया जाए हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है। अगली जो इनकी डिमांड थी कि गाजीपुर सिटी से कटा चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन है और 146-11 146-12 नंबर है। इस गाड़ी की जो स्टॉपेज है कटरा स्टेशन पर काफ़ी समय तक खड़ी रहती है, तो इस ट्रेन के जो लाई ओवर और रैक का सदुपयोग करके कटरा से इंदौर वाया जालंधर फिरोजपुर भटिंडा हनुमानगढ़ सादुलपुर लोहारू सीकर जयपुर कोटा नागदा नई साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, यानी इंदौर से इस ट्रेन को नई ट्रेन चलाने की डिमांड की गई है। इंदौर कटरा से इंदौर वाया जालंधर फिरोजपुर भटिंडा हनुमानगढ़ सादुलपुर लोहारू सीकर जयपुर कोटा नागदा नई साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वैष्णो देवी के लिए एक नई ट्रेन की उपलब्ध हो जाए। और साथ ही जम्मू उधमपुर में तैनात क्षेत्र के जो सैनिक होते उनको इस नई सीधी रेल सेवा की उपलब्धता होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा क्या डिमांड की गई थी, लेकिन उन्होंने डिमांड तो उन्होंने काफ़ी की थी, और क्योंकि वहाँ पर कई रेलवे स्टेशन पर इन्होंने जो फुट ओवर ब्रिज होती है या अंडर ब्रिज होती है उसकी डिमांड की थी, कहीं पर इन्होंने जो अब मैं आपको टीयू संबंधी जो बातें मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो मैं आपको जो ट्रेनों संबंधित उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसमें गाड़ी संख्या 22477 22478 जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का कनकपुरा आसलपुर और जोमनेर एवं सांभर में ठहराव दिया जाए, साथ ही 12992 12991 साथ ही 09722 09721 उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस कनकपुरा आसलपुर और जोमनूर एवं नरैना में ठहराव दिया जाए। 124-68 लीलन एक्सप्रेस का जो ठहराव है कनकपुर आसलपुर और जोबनौर में दिया जाए जोबनेर, साथ ही 120-65 120-66 अजमेर दिल्ली साइड जो सरा दहरी साइड रॉयल ट्रेन का रैन वाला में ठहराव दिया जाए, 22987 22988 आगरा फोर्ट का नरैना एवं हिरनौदा में ठहराव दिया जाए, साथ ही 128-33 128-34 हावड़ा एक्सप्रेस का फुलेरा में ठहराव करने की डिमांड की गई है। और इसके अलावा बांद्रा चंडीगढ़ 22492 का ठहरा रेनवाल स्टेशन पे किया जाए। नेक्स्ट है 124-13 124-15 पूजा एक्सप्रेस जम्मू तवी का असलपुर और जो नेर में ठहराव किया जाए। नेक्स्ट है मर्दर एक्सप्रेस अप और डाउन दिशा में चलती है 148-54 55 148-53 और 64 मर्दर एक्सप्रेस का असलपुर और जो नेर में ठहराव किया जाए। जोधपुर से वाराणसी और वाराणसी जोधपुर के मध्य में चलती है मर्दर एक्सप्रेस, साथ ही 196-09 196-10 उदयपुर हरिद्वार का नरैना एवं आसलपुर जोबनौर में ठहराव दिया जाए। 197-33 197-34 जयपुर मारवाड़ एवं जयपुर कनकपुरा आसलपुर में, साथ ही जय जोबनौर साथ ही हिर नौदा में ठहराव दिया जाए। नेक्स्ट है 12982 12981 साथ ही 22997 22998 कोटा से श्रीगंगानगर चलती है पूर्व की भांति आसलपुर और जोबनेर में ठहराव दिया जाए। नेक्स्ट है 146-59 146-60 और 146-61 और 62 मलानी एक्सप्रेस पूर्व की भांति आसलपुर और जोबनौर में ठहराव दिया जाए। नेक्स्ट है 196-11 196-12 196-13 196-14 अमृतसर अजमेर फुलेरा में वाणिज्य ठहराव दिया जाए। इस प्रकार से 147-01 147-02 198-07 198-08 097-05 097-06 198-13 198-14 और 140-21 140-22 जयपुर से रिंगस चलती है सीकर झुंझुनू एवं चुरू जाने वाली ट्रेनों का ठहराव नीदड़
बेनाड स्टेशनों पर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कुछ ट्रेनों के जो विस्तार करने की डिमांड की गई, जैसे रेवाड़ी से फुलेरा शटल चलती है 59716, 59718, 59720 व फुलेरा से रेवाड़ी शटल जो चलती है 59715, 59717, 59719 को यदि अजमेर तक बढ़ाया जाता है तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कई गांव लाभान्वित होंगे। बदाल, मालिकपुर, रैनवाल, भैंस लाना, मरड़ा, सिनोदिया, खंडेल, पिपली का बांस, फुलेरा, नरेना सीधा संभव अजमेर डिवीजन से हो जाएगा। यहीं रेवाड़ी फुलेरा शटल को अजमेर तक बढ़ाने की डिमांड की गई है। इसी प्रकार से COVID-19 के बाद सभी स्पेशल नंबर संचालित ट्रेनों को पूर्व की भांति प्राइम नंबर संचालित कर टिकट प्राइम दरों पर ही उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। MST की सुविधा सभी प्रकार की जो संचालित ट्रेनें होती हैं, चाहे पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पूर्व की भांति उपलब्ध कराने हेतु दैनिक यात्रियों की सुविधा होगी। प्रस्तावित 10 DMU और 10 EMU ट्रेनों का जयपुर से फुलेरा अजमेर, जयपुर से फुलेरा जोधपुर और जयपुर से रिंग सीकर से संचालन कराए जाने से दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, रेलवे ने यहाँ पे 10 DMU और 10 EMU ट्रेन चलाने का जो एक परफॉर्मा तैयार किया है, तो उसमें इन्होंने डिमांड की है कि जयपुर फुलेरा और साथ ही जयपुर से फुलेरा अजमेर और जयपुर से फुलेरा जोधपुर और जयपुर से रिंगस होते सीकर तक नई ट्रेन चलाने की डिमांड की है प्रतिदिन। तो ये डिमांड थी आपके कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा। और ये जो सभी मांगे 25 फरवरी को होने वाली जो मीटिंग है उसमें रखी जाएंगी, और जो लोकसभा सदस्य नहीं पहुंच पाएगा तो उनके जो लेटर पत्र होते हैं वो वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। जो भी होगा वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा कि किन ट्रेन को चलाना है, किन ट्रेन को विस्तार करना है। तो ये अपडेट थी आपकी राजस्थान से जुड़ी। जल्द ही मैं राजस्थान से जुड़ी कुछ और भी अपडेट आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो जैसे लाइक करें, शेयर करें। टेंशन संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।